परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर बैठकर बैसाख के महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यजमान परिवार बड़ा भाग्यशाली है, स्वर्गीय नंद किशोर जी, बलभद्रलाल जी जयसवाल, स्वर्गीय देवका भाई नंद किशोर जी जयसवाल जी की स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जयसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जयसवाल, श्री प्रकाश नंद किशोर जी जयसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जयसवाल परतवाड़ा, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को इस बैसाख के महीने में प्रदान की है। शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले, भूल से भी, हम कहें कि याद करकर भी नहीं, अगर भूल से भी मुख से ओमकार मंत्र निकल जाए, भूल से भी मुख से नमः शिवाय निकल जाए, भूल से भी मुख से ओम नमः शिवाय निकल जाए, भूलवश मुख से शिव नाम निकल जाए, भूलवश मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, भूलवश मुख से हर हर महादेव निकल जाए, भूलवश मुख से देवदिदे महादेव का नाम किसी भी रूप में निकल जाए, तो भी वो जीव संसार के किसी भी क्षेत्र में उलझता नहीं है, वो सुलझ कर देवदिदे महादेव की ओर आगे बढ़ ही जाता है, वो भटकेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, जीवन है मानव का, और मनुष्य का जीवन है तो संघर्ष तो निश्चित है। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इतना मानकर चलना कि संघर्ष हमको करना पड़ेगा। मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर अगर प्रकट हुए तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा, मेरे भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा, भारत की भूमि पर जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उनको संघर्ष करना ही पड़ता, उनको सहन करना ही पड़ता। आप इस अंदाजे से दूर हो जाओ कि दुनिया के लोग आपको छोड़ देंगे, ना ना, ईमानदारी से बोलना, किसी ने राम जी पर उंगली उठाने से, कोई राम भगवान पर भी उंगली उठाए तो भी मेरे राम जी महाराज सुनते रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि यह मानव की देह है, इसमें श्रवण करना पड़े, इसमें सहन बहुत करना है, और सबसे ज्यादा सहनशीलता अगर किसी को चाहिए तो वो भारत भूमि की मेरी माताओं को चाहिए, क्योंकि एकदम कोई ने कुछ बोला और आप एकदम उसका पलटवार कर दिए, कोई ने कुछ बोला और आपने उसको अपशब्द कह दिया, कोई ने कुछ बोला और आपने उसके ऊपर कुछ कह दिया, ना ना ना, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई कुछ कहे आप उस जगह पर मौन रहना चालू, कोई गलत चीज हमारे पास में आ जाए आप उसका त्याग करना चालू करो, कोई ली दे दी आप उसका त्याग कर दीजिए, त्याग किसका करना, व्यक्ति का त्याग नहीं करना, गाली का त्याग कर, कोई गलत विचार मन में आ रहा है त्याग उसका कर दीजिए, त्याग व्यक्ति का नहीं करना, हमें गलत विचार का त्याग करना, गलत सोच का त्याग करना,
गलत दृष्टि का त्याग कर लिया। कई लोगों को देखा है हमने, शुगर के डर से शक्कर खाना, बोल बोलो जम के बोलो जरा, शक्कर खाना छोड़ देते हैं। कई लोगों को देखा है हमने, शुगर के डर से, जम के बोलो जरा, शक्कर खाना छोड़ देते हैं। बीपी के डर से, ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं। बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। शुगर का डर लगा तो शक्कर खाना छोड़ दी, बीपी का डर लगा, ब्लड प्रेशर का डर लगा तो नमक खाना छोड़ दिया। तो भगवान से भी डरो और बेईमानी का खाना बेकार खाना छोड़ो। शुगर से डरे तो शक्कर खाना छोड़ी है, बीपी से डरे तो नमक खाना छोड़ा है। परमात्मा से थोड़ा सा डरिएगा और डर करिए, कोई गलत किसी ने कह दिया हमें उस गलत बात को छोड़ देना, कोई गलत व्यसन आ गया उस व्यसन को हमें छोड़ देना, गलत विचार आ गया उस गलत विचार को हमें छोड़ देना, गलत कोई ने गाली दे दी उस गाली को हमें, व्यक्ति को नहीं छोड़ना उस गाली को छोड़ देना। मेरे भगवान कृष्ण को तो उनके बुआ के लड़के ही गाली बक रहे थे, मेरे भगवान कृष्ण को उनके बुआ के लड़के ही गाली बक रहे थे। इतनी गालियां दी गई, इतनी गाली दी गई, भगवान कृष्ण सुनते रहे। सुनते सुनते भगवान कृष्ण से कहा गया कि आपका बुआ का लड़का है, इसको तुम अब हटाओ यहां से, तुम्हारा संबंध खत्म कर दो, तुम्हारी रिश्तेदारी बंद कर दो। भगवान कृष्ण कहते रिश्तेदारी बंद नहीं करूंगा, गाली को दूर कर दूंगा। हम क्या करते हैं, किसी ने हमको गाली दी तो हमने उससे बोलना, अरे जम के तो बोलो जरा, बोलना बंद कर दिया। सास ने गाली दी तो बहू ने तबेले जैसा मुंह बना लिया, भगवान जैसा मुंह बनाया, आज के बाद मैं सास से बात नहीं करूंगा। सास ने तुम्हारे बच्चे को डांट लगाई तो तुमने अपने बच्चे से कह दिया अब मत जाना दादी के पास, अब दादी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेरी दादी अच्छी नहीं है, तुझे डांटती है ना, तुझे गुस्सा करती है ना, तुझे टॉफी नहीं दिलाती ना, तुझे आइसक्रीम नहीं दिलाती ना। बल्कि बहू को चाहिए कि बच्चे से कहे तेरी दादी बहुत अच्छी है, घर में अगर डांटेगी नहीं ना तो तू अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए उसका डांटना जरूरी है। हम उसको गलत सीख दे रहे हैं, हम उसको गलत बात बता रहे हैं। किसी ने डांट दिया हमने उससे बोलना बंद कर दिया। अरे यहां तक शंकर जी के मंदिर में जाऊं ना, बहुत सारी माताएं शिव जी के मंदिर में गई और शंकर जी को जल चढ़ा रही थी, किसी ने जम के ठेसा मार दिया ना एकदम टुल्ला जम के, तो लोग उससे भी बात करना बंद कर दे। कोई अपशब्द कह रहा है तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने गाली दे दी तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने कुछ कह दिया तो हमने बात करना बंद कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है बात करना कभी बंद मत करो, कोई कुछ भी बोले आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को तो खुशी होना चाहिए, अच्छा है हमारे पाप निकल रहे हैं। कोई ने आपको गाली दे दी ना, समझ लेना आपके पाप निकल रहे हैं। कोई ने आपको अपशब्द कह दिया ना, समझ लेना आपके पाप धुल रहे हैं। कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना, समझ लेना आपके पाप सब समाप्त हो। हमें बातचीत बंद नहीं करना। भगवान नारायण के चरणों में कौन बैठी रहती है, बोलते जाओ जरा, परत बड़ा वालों तुम्हारी आवाज यहां तक आना चाहिए, कौन बैठी है, लक्ष्मी जी। गणेश जी के बाजू में कौन कौन है, रिद्धि सिद्धि। ब्रह्मा जी के बाजू में कौन है, ब्रह्मांड। इंद्र के बाजू में इंद्राणी। केवल एक शंकर भगवान की अर्धांगनी माता पार्वती जी ऐसी हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना कि दोनों आमने सामने बैठे हुए, बाजू में नहीं है, आमने सामने। क्यों, कारण मैं कुछ कहूं आप सुनना, आप कुछ कहेंगे मैं सुनूंगी, मैं आपके सामने आप मेरे सामने रहो, जिंदगी भर रहो, और एक आप और हम हैं, जरा सी कोई बात हो जाती है तो कहते आज के बाद तेरा मुंह ही नहीं देखूंगी, तेरा मुंह ही नहीं देखूंगी, आज के बाद मेरे सामने आना मत, तेरा मुंह ना देखूंगा। ना ना, शिव पार्वती की कथा कर रही है, कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी गलत बात हो जाए तो भी अपनी बोलचाल बंद नहीं करना।
क्यों बंद करें? शिव जी को ज्यादा क्रोध आता था कि पार्वती जी को ज्यादा क्रोध आता था? अब दोनों का संतुलन करिए जरा। अगर आप मां भवानी का दर्शन करोगे, कालका रानी का दर्शन करोगे, काली माता का दर्शन करोगे, चामुंडा का दर्शन करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि किसको क्रोध ज्यादा आता है? पार्वती जी को। और यदि आप भगवान शंकर का दर्शन करो, जिन्होंने अपनी जटा का बाल थोड़ा वीरभद्र को उत्पन्न करा और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दिया, जिन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया, अगर आप दर्शन करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि शंकर को ज्यादा क्रोध आता है। पर एक बार भी शंकर भगवान के मुख से यह नहीं निकला कि पार्वती तुझे क्रोध आता है। पार्वती जी ने एक बार भी मुख से यह नहीं कहा कि भोलेनाथ तुमको क्रोध आता है, क्योंकि ना शंकर भगवान को पार्वती में क्रोध नजर आ रहा है, ना पार्वती को शिवजी में क्रोध नजर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे में वात्सल्यता देख रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर जो भरा होता है सामने वाले में वो नजर आना प्रारंभ हो जाता है। पति चिल्ला रहा है, पति अपशब्द बोल रहा है, और चिल्लाते चिल्लाते इतने में पत्नी ने दो शब्द कह दिए, तो पति चिल्लाकर बोला, ये देख कितना गुस्सा कर रही है, अपने पति से ऐसे बात करना चाहिए? पति पत्नी से कह रहा है। अब यही बात अगर पत्नी पति से कह दे तो तुम पहले अपने आप को तो देखो, तुम कितना गुस्सा कर रहे हो, तुम कितना क्रोध कर रहे हो। दुकान पर रहते हो तो अच्छे रहते हो, बाहर रहते हो तो अच्छे रहते हो, घर में आते हो तो इतना क्लेश करते हो। बस ये बात पत्नी ने कही, इतने में तो पति ने गाड़ी की चाबी ली, भुड़ 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 वो चल। फिर गलत किसने कहा जरा विचार करिए। बच्चा जब छोटा रहता है तो हम कहते कितना नटखट है, बोलो बोलो जम के बोलो, एक बार बोल के बताओ, बच्चा कितना नटखट है। केवल बच्चा जब छोटा रहता है तब उसको कहा जाता है कि बच्चा कितना नटखट है, जब बड़ा होता है तो नट सारे ढीले हो जाते हैं और बुढ़ापे आते आते से केवल खटखट ही रह जाती है। अब कोई बुढ़ापे में किसी बुढ़े व्यक्ति को 80 साल की अम्मा को कोई कह दे अम्मा कितनी नटखट है, अब कोई कहे, हम हमारे जजमान को कह दे श्री ओम प्रकाश जी को कि ओम प्रकाश जी तुम कितने नटखट हो, अब कोई कहे अवस्था में कोई नटखट कहेगा? कौन कहे? हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? पति को क्रोध आया, उसने पत्नी से कह दिया तू गुस्सा करती है, पत्नी को क्रोध आया, उसने पति से कह दिया तू गुस्सा करती है। पर मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंभु कभी पार्वती से नहीं कहते कि तू क्रोध करती है, क्योंकि शंकर को मालूम है जब दुष्टों का संहार करना है तो पार्वती का क्रोध करना जरूरी है। जब दुष्टों का संहार करना है तो पार्वती का क्रोध करना जरूरी है। अनायास क्रोध माता पार्वती कभी नहीं करी है। लक्ष्मी जी ने गुस्सा करा, अनायास करा, भगवान नारायण हंस दिए, लक्ष्मी जी को देखकर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया नारायण को, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शीश कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा क्योंकि तुम घोड़े जैसे हंसे हो। और भगवान विष्णु का शीश कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हो गया, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ लक्ष्मी जी के कारण। यहां क्रोध लक्ष्मी जी को नहीं आना था, पर क्रोध आया, अनायास क्रोध लक्ष्मी जी को आ सकता है, अनायास क्रोध ब्रह्माणी को आ सकता है। ब्रह्माणी को क्रोध आया ब्रह्मा जी के ऊपर जब यज्ञ कर रहे थे पुष्कर राज की भूमि पर। ब्रह्माणी को क्रोध आया जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ कर रहे थे और ब्रह्माणी के आने में देरी हो गई। जब ब्रह्माणी नहीं आई तब उस समय पर ब्राह्मणों ने गौ माता के मुख से गायत्री को प्रकट कर लिया और प्रकट कर फिर वो यज्ञ में जो बिठाया, बिठाने के बाद में स्वयं ब्रह्माणी देवी आ गई और कह दिया मेरा अपमान कर दिया, मेरी जगह पर तुमने दूसरी नारी को बिठाया, कहीं पर तुम्हारी पूजन नहीं होगी, कहीं मंदिर नहीं होंगे, अगर मंदिर होगा तो केवल एक पुष्कर राज में होगा, केवल एक पुष्कर। उसके सिवा कई मंदिर नहीं।
और किसी स्थान पर तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। जब ब्रह्माणी ने श्राप दिया तो ब्रह्मदेव कहते ब्रह्माणी तुम क्या बोल रही हो। ब्रह्माणी कहती है सुनो ब्रह्मदेव, सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है और वो कन्यादान होता है। सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है वो कन्यादान होता है। इसके सिवा कोई दान बड़ा नहीं, कन्यादान किया गया। इसलिए हम हमारी भारत माता की पुत्रियों से, भारत माता की बेटियों से प्रत्येक कथा में निवेदन करते हैं कि मेरी बेटियों तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई करना, कितनी भी अच्छे ऑफिस में काम करना, पर अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। हम हमारी बेटियों से कहते हैं कि आप कितने भी अच्छे पढ़ लो, अच्छे ऊंचे से ऊंचे स्कूल में पढ़ो, ऊंचे से ऊंचे कॉलेज में पढ़ो, अच्छी एजुकेशन आप धारण करिए, खूब अच्छे अच्छे औहदे पर पद पर मेरी बेटियां बैठे, पर इतना याद रखना अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। जरा सी चाउमीन के चक्कर में और 10 रुपए के पेट्रोल और डीजल के चक्कर में और भुड़ भुड़ के चक्कर में किसी एरे गेरे नत्थू खेरे के चक्कर में मत जाना, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से कहा सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, सबसे बड़ा यज्ञ कन्या का विवाह होता है, सबसे बड़ा दान पुण्य अगर माना गया है तो कन्या का दान माना गया है। इसलिए आप जब इस पृथ्वी पर कन्यादान कर लोगे तब ब्रह्मदेव आपका मंदिर इस पुष्कर राज की धरा पर पूजनीय हो जाएगा, उस मंदिर का आनंद हो जाएगा। तब ब्रह्मदेव सतयुग त्रेता सब निकलता चले गया, द्वापर आ गया और ब्रह्मदेव ने विचार करा अब मैं किसका कन्यादान करूं। तब देव ऋषि नारद ने कहा, उसी पल उसी घड़ी देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और बरसाने की राधा रानी के साथ में बाल्यावस्था में जिस विवाह को कोई नहीं जानता, केवल एक ब्रह्मदेव जानते हैं, केवल एक नारद जी जानते हैं, केवल एक राधा जानती है और केवल एक कृष्ण जानते हैं। बाल्यावस्था में भगवान ब्रह्मदेव ने नारद जी की साक्षी में भांडिर वन में बैठकर राधा जी का कन्यादान कर दिया। तब जाके ब्रह्मदेव का पूजन पुष्कर राज की धरा पर प्रारंभ हो गया। तब जाकर सहजता नहीं है महाराज, उसको समझना। इस विवाह को केवल ब्रह्मदेव जानते हैं, इस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, इस विवाह को केवल अगर जानते हैं तो राधा और कृष्ण जानते हैं, इसके सिवा वो विवाह कोई नहीं जानता, वो गोपनीय विवाह जो भांडिर वन में किया गया। लक्ष्मी जी ने क्रोध करा भगवान नारायण को, घोड़े का मुख लगा। ब्रह्माणी ने क्रोध करा ब्रह्मदेव को, स्वयं पुष्कर राज में केवल पूजे गए बाकी के कहीं नहीं पूजे गए। तो यहां मेरी पार्वती मैया अनायास क्रोध नहीं करती, मेरी पार्वती मैया हर कभी क्रोध नहीं करती, जहां क्रोध की जरूरत है वहां पार्वती जी क्रोध करती हैं। और आप कभी अनुभव करिएगा, मेरा बहुओं से निवेदन है, मेरा बेटियों से निवेदन है कि आप कभी अनायास क्रोध ना करें, हर कभी क्रोध ना करें। क्रोध का भी एक समय होता, क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जम के बोलो जरा, कंट्रोल। बेडरूम होता है घर में, बोलो जम के बोलो, वो मेरी परतवाड़ा की जीजी, बोलो घर में बेडरूम होता है, जम के तो बोलो। ड्राइंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, ठीक है। तो फिर घर में एक रूम कंट्रोल रूम भी होना चाहिए। बेडरूम है ना, इधर वाली जीजी जरा बोलो तो, बेडरूम है ना, ठीक है। ड्राइंग रूम है ना, ओ जीजी हो है ना, वॉशरूम है ना, तो फिर कंट्रोल रूम भी हो। जैसे गुस्सा आए उस रूम में जाकर बैठ जाओ, अपने आप को कंट्रोल करना प्रारंभ करिए। मुख पर गालियां आए उस रूम में जाकर बैठ जाओ, गालियों पर कंट्रोल होना जरूरी। गलत विचार आए, कंट्रोल रूम में पहुंच जाओ, कंट्रोल करिए अपने गलत विचारों पर। आपकी वाणी अपशब्द बोल रही है, किसी व्यक्ति के लिए अपशब्द तुम्हारे मुख से निकल रहा है, किसी के लिए आरा तेरा निकल रहा है, किसी के लिए गाली निकल रही है, किसी के लिए ताने निकल रहे हैं। अपने भीतर जो भरा है वही तो बाहर निकल रहा है, जो भरा है वही तो निकल रहा है। गुलाब जामुन खाओगे आम की डकार आएगी क्या? अरे बोलो तो जम के। कल यहाँ पर एक वीडियो चल रहा था परतवाड़ा का, कि यहाँ पर वो केरी का झोलिया मिल रहा था, क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में, केरी का पना, यहीं कहीं मिल रहा था वो, उसका वीडियो बहुत चल रहा है, ठीक है। और केरी का पना लोग बांट रहे थे, केरी का पना निःशुल्क सबको दे रहे थे, गिलास भर भर के लोग पी रहे थे। अब तुमने केरी का पना पिया, ठीक है, अरे बोलो तो जम के।
अकेली का पना पीने के बाद में जलेबी की डकार आएगी क्या? काय की डकार आएगी? केरी के पने की। जो जो अंदर भरा है डकार भी तो उसी की आएगी। अंदर अगर विकार भरे हैं तो विकार की डकार आएगी, गालियां भरी है तो गालियां ही डकार में निकलेगी, अपशब्द भरा है तो अपशब्द निकलेगा, घृणा भरी है घृणा निकलेगी। तुम्हारे अंदर जो भरा होगा जब तुम बोलोगे तुम्हारे अंदर से वही निकलेगा जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर जो घृणा नफरत अपशब्द भरा पड़ा है वो निकलेगा, बाहर निकलेगा। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है, समझ लेना उसके अंदर अच्छाई भरी हुई है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी व्यवहार कर रहा है, समझ लो उसके अंदर व्यवहार अच्छा भरा हुआ। इसलिए बारंबार कहते हैं, इसलिए अवगुण बहुत किए दयालु, मैंने अवगुण बहुत किए और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, पर कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। मुख तो तूने दाता बनकर दे दिया पर मैंने इस मुख से केवल 24 घंटे लोगों की बुराई निंदा अपशब्द ताने गालियां आड़ा टेढ़ा बोलता रहा। और कान दिए रे तूने, बोलो बोलो बोलो, दाता बन के, पर कभी नहीं सत्संग सुनो, जब भी सुना केवल चुगली, केवल बुराई, केवल अपशब्द, केवल ताने, केवल गाली, केवल आड़ा टेढ़ा। और नयन दिए रे तूने, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, दाता बन के, कभी नहीं दर्शन कियो केवल दूरदर्शन कियो, दर्शन नहीं केवल दूरदर्शन कियो। चित्र अच्छा देखोगे चित्र भी अच्छा होगा। ये बहुत सारे सीरियल बहुत सारे नाटक टीवियों में आते हैं, बहुत सारे सीरियल, एक लड़की ने शादी कर ली, एक जगह से उसने थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर छुटकारा कर लिया, दूसरी जगह शादी कर ली, फिर उसने तलाक कर लिया, तीसरा पति मिला उसने भी उसको अपशब्द किया, उसने उसको भी छोड़ दिया, चौथा पति विदेश में ढूंढा उससे शादी कर ली, उसके साथ जाने की तैयारी कर ली, वहीं पे बेटा बेटी सब नाटक देख रहे थे, उन्होंने सोचा ऐसा होता है, पर नाटक में वो हो सकता है पर ओरिजिनलिटी में तो बेटी केवल एक के घर ब्याह कर जाए और वहां अच्छे से रहे, ये माँ बाप की आशा रहती है, ये माता पिता की आशा रहती है, बेटी जाए ब्याह कर उसका पति आदर करे, उसका पति सम्मान करे, उसका पति सत्कार करे, ये हर माता पिता का एक मन का भाव होता है, प्रत्येक माता पिता का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है तीन चीजें भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का विवाह करते समय, भगवान शंकर के साथ विवाह करते समय भगवान हिमालय राज ने शंकर भगवान में तीन चीजें देखी, तीन चीज महाराज। पार्वती जी के पिता हिमालय राज ने शंकर जी के साथ विवाह करते समय तीन चीजें देखी। प्रत्येक घर के पिता को अपनी बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखना चाहिए। पहला, संपत्ति मत देखना, कुल देखना, अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में कहीं लड़कियों के साथ बहुओं के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, इसके घर में बेटियों के साथ में अपशब्द तो नहीं बोले जा रहे। हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह करते समय तीन चीजें देखी थी। प्रत्येक घर का पिता बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखे, संपत्ति मत देखना, तुम्हारी बेटी के भाग्य में संपत्ति होगी तो वो ढेरों की संपत्ति बनवा देगी, और अगर भाग्य में नहीं होगी तो पेट्रोल पंप भी बिगवा देगी, उसका क्या। अगर संपत्ति देखोगे, चार चार पांच पांच गाड़ी देखकर लड़की की शादी कर दी, पेट्रोल पंप देखकर लड़की की शादी कर दी, दुकान देखकर लड़की की शादी कर दी, और मालूम पड़े वो धीरे 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 लड़का ना जाने कौन से दोस्तों के संग बैठ गया, और मालूम पड़े एक बार शेयर मार्केट में बैठा डब्बा गोल करके आ गया, पूरा पेट्रोल पंप गाड़ी ने बंगला सब दो मिनट में चले गया। इसलिए शास्त्र कहता है संपत्ति मत देखो, बेटी की शादी करने से पहले कुल देखिए। दूसरे नंबर पर बेटी की शादी करने वाले पिता को दूसरी चीज देखना चाहिए जो हिमालय राज ने देखा, चेहरा मत देखना, लड़के का चरित्र देखना कि वो बेटी के लायक है कि नहीं।
मालूम पड़े हैंडसम स्मार्ट। अब स्मार्ट तो फोन भी होता है, क्या करें? तो क्या फोन से शादी कर लोगे? स्मार्ट है नहीं, स्मार्ट तो फोन भी होता है। हिमालय राज जी ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह करने से पहले तीन चीजें देखी। पहला, उन्होंने संपत्ति नहीं देखी, कुल देखा। दूसरे नंबर पर उन्होंने चेहरा नहीं, अब आपको बोलना है क्या देखा, चरित्र देखा। लड़का कहीं गलत पीने खाने में तो नहीं, व्यसन में तो नहीं, बेकार जगह तो नहीं जाता, कहीं और इसका संबंध तो नहीं। मालूम पड़े हमारी बेटी जिंदगी भर रोए कि मालूम यह चेहरा तो अच्छा था, स्मार्टफोन जैसा था, नजर भी अच्छा आ रहा था, कभी कभी एप्पल जैसा भी था। पर बेटी को दुख हो तो क्या मतलब का वो एप्पल का फोन किस काम का, जब तुम्हें चलाना ही नहीं आए तो बोलो तो सर ईमानदारी से क्या काम का। गांव का कोई व्यक्ति बेचारा फसल का काम करे ना, जो जमीन में खेती बाड़ी करे, उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे देनी तो वो तो जाके कहते छोरा से मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से चले ही नहीं, मारे तो कीपैड लाके दे दे छोटा सा, नंबर दबाऊं और बात हो जाए और बाद में बात करता, मेरे से तो बस इतना सा चले। अभी भी यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी है, कई माताएं बैठी है जिसको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं आता, छोटा सा फोन से काम चला लेता, भले उसका लड़का 10,000-20,000 का चला है पर वो तो 500-700 का चला ले। बोलते बोलता बोलते उसको जरूरत ही नहीं। चेहरा मत देखना, क्या देखना, चरित्र देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका धन नहीं, उसकी कमाई नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है। तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन वैभव सब अलग चीज है, तीसरे नंबर पर शिव महापुराण हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति देखो, संग किसका है। ए मेरी परतवाड़ा की जीजी और जितने भारत भूमि के जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को इस परतवाड़ा की भरत धरी से श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर इस कथा को सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे तीन चीजों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो, कुल देख लो। दूसरा, संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो। और तीसरा, चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो। तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती, वो सुखी ही रहे, सुखी रहे। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पका तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को कहीं दूसरी जगह लेकर नहीं, अपने मन को भटकाना नहीं है, अपने मन को भ्रांतियों में नहीं लेके जाना, अपने मन को भ्रम में लेकर नहीं जाना। कोई गलत बोल रहा है उसके अंदर गलत भरा होगा इसलिए गलत बोला उसने, कोई आपको अपशब्द कह रहा है उसके अंदर ईर्ष्या भरी होगी इसलिए कोई अपशब्द कह रहा है आपसे। एक उंगली किसी पर उठाई है, कितनी उंगली? ये ऐसा है, जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू क्या है। एक उंगली किसी पर उठाई है तो ये तीन उंगलियां बता रही है कि अपने खुद के अंदर झांको कि तुम क्या हो। सास बहू की गलतियां निकाले, बहुत निकाले, खूब निकाले। ईमानदारी से बोलना, सास अगर बहू की गलती निकालती रहे, निकालती रहे, निकालती रहे, और अपनी पड़ोसन, उनको अड़ोसन, उनको रिश्तेदारों को, ननंद को, जेवानी को, जेठानी को, सबको गलतियां बताती रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मोहल्ले के लोग कहेंगे बहू ऐसी नहीं है, सास गलतियां निकालती है तो सास ही गलत। बहू दिन भर सास की गलतियां निकालती रहे, जब मायके जाए तब गलती, जब जाए तब गलती, बहन आए तो गलती बताए, कोई आए तो गलती, पति को गलती बताए, तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग भी समझ जाते हैं सास गलत नहीं, गलत ये है।
आप एक उंगली किसी पर उठाइए, उसमें से गलतियां छाटना प्रारंभ करिए, एक उंगली किसी पर उठाइए, ये तीन उंगलियां आपकी ओर जाकर बताती है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारे भीतर भरा क्या है, तुम कैसे हो, ये तीन उंगलियां बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना क्या भरा पड़ा है। शिवपुराण कहती है ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, कुछ समय का चक्र होता है, जो बुरा होता है उसको टल जाने दो, दोनों में एक दिन प्रेम जरूर बढ़ेगा। एक लड़की की शादी हुई, लड़के से उसका विवाद हो गया, मायके चली गई, मायके वालों ने कह दिया मत जाना तू हमारे पास रह, क्यों महापुराण की कथा कहती है थोड़ा टल जाने दो, इस संवाद को थोड़ा टल जाने दो, लड़का लड़की में विवाद हुआ है ना, थोड़ा समझाओ, कोई बात नहीं बेटा चल हम बैठते हैं बात करो, अच्छे से रहो, दोनों अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, विवाद हुआ है अभी नए नए जुड़े हुए, एक साल हुआ शादी का, दो साल हुआ, तीन साल हुआ, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 5-6 साल इंतजार करो, इसके बाद निर्णय पर पहुंचना, इतनी जल्दी निर्णय मत ले कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं, बहुत समय तुम मायके में रह रही है, जा ससुराल में ले, हो सकता है बेटी को समझाओ, तू एक बार विवाद कर आ गई, मान लो तेरे को ऐसा पति मिला और तेरी तूने तलाक भी ले लिया, तो हो सकता है तो दूसरी शादी करे और वो भी ऐसा निकल गया, तो क्या जवाब था, थोड़ा समझाओ, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, थोड़ा कहने का प्रयास करिए, हाँ जब बेटी के लायक लड़का ना हो और तुम्हें लगे कि ये बेटी के लायक नहीं, सही में हाथ उठाता, मारता, ठोकता, गाली देता, अपशब्द कहता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, कितनी बड़ी बात, एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर चले गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर गया, और 4 बात परतवाड़ा के एक एक व्यक्ति के दिल में बैठना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कह गया, बेटा छाव में जाना, छाव में आना, बेटा घर में चमड़े की एक दीवार रखना। पहली बात क्या बोली, बेटा जम के बोलो परतवाड़ा वाले, छाव में आना, छाव में जाना, घर में एक चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात कही, मीठा ही मीठा खाना, मीठा ही मीठा। और चौथी बात कही, अपनी पत्नी को डांटना है तो बांध के डांटना, अपनी पत्नी को डांटना है तो बांध कर डांटना। ये 4 बातें बुजुर्ग कहकर चले गया, लड़के ने अमल करना प्रारंभ कर दिया, छाओ छाओ जाओ, छाओ छाओ आओ, तो लड़के ने क्या करा, अपनी दुकान तक, अपने घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया, छाओ में जाता, छाओ में आता। लड़के ने सुना पिताजी ने कहा कि चमड़े की दीवार घर में रखना, तो जब गांव में कोई भैंस मरी उसका चमड़ा लाकर उसने निकलवा के अपनी दीवार पे टांग दिया, चमड़े की दीवार, बदबू मारने लगा घर। तीसरी बात, मीठा मीठा खाना, इतना मीठा खाया कि शुगर हो गई। और चौथी बात, अपनी पत्नी को पहले बांधता फिर डांटता। एक दिन पत्नी छूटकर अपने मायके चली गई और अपने पिता से कहा, पिताजी से कहा, पापा मुझे नहीं जाना, बहुत गंदा माहौल है, पहले तो अच्छे थे पर जब से पिताजी मरे 4 चीजें इनको बताकर चले गए, मीठा मीठा खाओ, चमड़े की दीवार रखो, और पत्नी को जब भी डांटना तो बांध कर डांटना, और छाँव छाँव जाना, छाँव छाँव आना। जमाई आया अपनी पत्नी को लेने के लिए, ससुर ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम पहले ऐसे नहीं थे बेटा, क्या हुआ? तो कहा, मैंने अपने पिताजी का कहना माना है, मेरे पिताजी मरने से पहले ये सब चीजें बोल कर गए थे, बस बता ही रहे थे 4 चीजें और पिताजी मर गए, उन्हें समझाया नहीं मुझको, मैंने जो सुना वैसा मैंने करा, पिताजी कह गए थे छाँव में जाना, छाँव में आना, तो मैंने अपनी दुकान तक, घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया। लड़की के पिताजी ने कहा, तुमने अपने पिता के शब्दों को सही से धारण नहीं करा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था छाँव में जाना, छाँव में आना, मतलब जब भी अपने व्यापार के लिए जाना, दुकान पर जाना, तो सुबह जाना और शाम को आना, छाँव में जाना, छाँव में आना, मतलब सुबह जल्दी जाओ, सूरज उगते से अपने व्यापार को चालू करो, रात्रि को जब सब आनंद के साथ में छांव हो जाए, सारा व्यापार बंद कर फिर आओ, इसको कहते हैं छांव में जाना, छांव में आना। तूने टेंट लगवा दिया, इसको छांव में जाना, छांव में आना नहीं कहते। फिर कहा, मेरे पिताजी ने कहा था मीठा मीठा खाना, अर्थात तेरे पिताजी ने कहा था हमेशा ईमानदारी की खाना, कभी गलत मत खाना, नमक मत खाना, मीठा खाना, अपनी इज्जत से खाना, और जब ईमानदारी का कोई खाता है तो वो मीठा ही कहलाता है, भले लड्डू ना खाए पर वो ईमानदारी की मिठाई ही होती है। मेरे पिताजी ने कहा कि दीवार घर में जरूर रखना, तेरे पिताजी ने कहा था कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा रखना जो तुझे सतमार्ग बताता रहे, तेरी इज्जत कराता रहे और तुझे सम्मान के शब्द बोलता रहे।
चमड़े की दीवार मतलब वो व्यक्ति जो तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाए, चमड़े की दीवार से मतलब है वो व्यक्ति जो चमड़े का शरीर है जिसका, और तुम्हें ज्ञान उपदेश दे, तुम्हें समझाए, तुम्हें अग्रणी लेकर जाए, वो चमड़े की दीवार के बराबर होता है। घर में एक चमड़े की दीवार रखना मतलब एक मित्र, एक परिवार का सदस्य ऐसा रखना जो तुम्हें सतमार्ग बताए, वो चमड़े की दीवार है। और चौथे नंबर पर पत्नी को बांध कर डांटो मतलब पत्नी को कभी चार लोगों के सामने मत डांटना, अकेले कमरे में ले जाकर डांटना, इसको कहते हैं बांध कर डांटना। तो अपनी पत्नी की इज्जत क्यों गिरा रहा है? चार दोस्तों के सामने पत्नी को अपशब्द कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदे आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदोई आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, छोटे कई देवरानी खड़ी रहती है और पति आया और अपनी पत्नी को डांट दिया, चार देवरानी के सामने उस जेठानी की क्या इज्जत होगी, उसका सम्मान क्या होगा? चार दोस्तों की पत्नी के सामने आए डांट दिया, उन चार दोस्तों की पत्नी के सामने पत्नी की इज्जत क्या होगी? इसलिए उस ससुर ने, उस पिता ने कहा था कि पहले बांधना फिर डांटना, अर्थात अपनी पत्नी को कहीं चार लोगों के सामने कुछ मत कहना, कहना तो कमरे में ले जाकर कहना। बस इतनी सी बात थी, उस व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए, ससुर जी मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था, मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था। हम निवेदन करना चाहेंगे, दुनिया के कई लोग कथाओं को थोड़ा थोड़ा सा काट लेते हैं और उसको गलत तरह से पेश कर देते हैं। कभी बन सके गलत तरह से पेश करने से पहले उस कथा को पूरी सुनना, किसी और वाले महाराज ने बोला क्या था, उस कथा को पूरी निकालिए, सुनिए, इसके बाद आप कहिए कि कथा गलत है कि सही है। कहने वाला कुछ भी कह दे, अपशब्द बोलने वाला अपशब्द कह दे, एक बहू ने कुछ कहा, सास ने गलत मतलब निकाल लिया, चार तरह के लोग होते हैं, चार तरह का मतलब निकालते हैं। पहले कथा को पूरा सुनो कि उस कथा का विस्तार वर्णन क्या करा गया है, उस कथा में बोला क्या गया था, उस कथा में कहा क्या गया था। छोटी सी बात लोगों ने, जैसे लोग कह दिए बेलपत्री पर, अरे गुरु जी ने क्या कहा था, पहले मेहनत करो, अपनी पूरा परिश्रम करना, फिर एक बेलपत्र शहद की ले जाकर समर्पित करना देवदित्य महादेव को। लोगों ने आधा काटा आधा छाटा, थोड़ा सा निकाला और प्रस्तुत कर दिया। उसको समझो कहां से बोला गया है, कहां से लिया गया है, क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है, उस प्रसंग को समझने की जरूरत है। उठाया, कह दिया, प्रस्तुत कर दिया ना। उस लड़के ने अपने पिता के चार वचन को गलत सोच लिया था, टेंट लगवा दिया, मीठा मीठा खाया, शुगर हो गई, भैंस मर गई, चमड़ा लाकर दीवार पर टांग लिया, चमड़े की दीवार हो गई, और पत्नी का हाथ बांध कर डांटे, तो ये कहां की रीति है? पिता के शब्द को समझना जरूरी है, व्यक्ति के शब्द को समझना जरूरी है। घर में सास बोलती है बहू को समझना जरूरी है, और बहू बोले तो सास को समझना जरूरी है। इतनी जल्दी निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, नहीं, साथ रहो और साथ रहकर उसको अच्छा करने का प्रयास करो कि मेरी जिंदगी इसी को ठीक करने में करना है। अब दूसरे को अच्छा करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, जम के बोलो जरा। बहू को अच्छा बनाना है तो सास को क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो जम के बोलो री परतवाड़ा वाली जी जी। पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा, हमें अपने आप को। पहले सुधरना किसको पड़ेगा, हमें अपने आप को। जब हम ही नहीं सुधर रहे तो फिर दुनिया क्या सुधरेगी, हम ही नहीं सुधर रहे। एक पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे, चार महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे, चार महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी घर गए, उनकी पत्नी ने मूंग की दाल बनाई, पति चिल्ला कर दौड़ा, मैं अभी परसों के दिन बैंगन लेकर आया था, तूने बैंगन नहीं बनाया। पत्नी बोली, तुम्हीं ने तो प्रवचन में कहा था कि चतुर्मास में चार महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई, वो तो मैं प्रवचन में कह रहा था, तूने अपने आप में अमल कर लिया। हम जो कहें पहले अपने आप में अमल करना चाहिए, हम जो बोलें पहले अपने आप पर अमल करना चाहिए। हम बहू को कह रहे हैं बेटा ऐसा रही है, बेटा ऐसा करिए, हम खुश हो रहे हैं अपने जमाई को देखकर। यहां जितनी माताएं बैठी हैं सब अपने जमाई को देख के बड़ी खुश होती हैं, मेरा जमाई इतना बढ़िया मेरी लड़की को रोज घुमाने ले जाता है, मेरा जमाई इतना बढ़िया मेरी बेटी के दे तो मायके लेकर आता है, और वोई की वोई जो तुम्हारा जमाई कर रहा है वोई की वोई तुम्हारा छोरा तुम्हारी बहू के साथ करे तो क्यों बुरा लगे।
फिर क्यों बुरा लगता है? मेरा जमाई मेरी बेटी को मायके लेकर आता है, मेरा जमाई मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता है, और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा रोज गाड़ी पे घुमाने ले जाए तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाए। दूर के ढोल, अरे बोलो तो परतवाड़ा वालों, दूर के ढोल सुहावने, तुम्हारा जमाई बेटी को आइसक्रीम खिलाए तुम्हें अच्छा लगे, मेरा जमाई हीरा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को आइसक्रीम खिलाए तो जीरो। वो भी तो किसी का जमाई है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब तुम्हें मेरा जमाई मेरी बेटी को जब घूमने जाए ना तब गाड़ी दिलाए, जब घूमने जाए वो क्या बोलते हैं एयर रिंग दिलाए, एयर रिंग, जब घूमने जाए तब उसको अंगूठी दिला, और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा दिलाए तो बड़े खुश हुआ करो कि जैसे आज आपके जमाई की बात सुनकर आपको गर्व होता है, उसी तरह मेरी बहू के घर के लोगों को भी मेरे बेटे को देखकर गर्व होना चाहिए। दूर के ढोल शिव के सिवा ना ना। दूसरा करे तो अच्छा, अपन करें तो स्वयं को सुधारी। और जिस दिन हम स्वयं सुधर गए, हम सुधरेंगे, हम दूसरे से कहते हैं मंदिर जाओ लोटा भर के जल चढ़ाओ, पहले अपने को जाना पड़ेगा। हमने दूसरे से कहा तेरे यहां ऐसा हो रहा है तो तू पशुपति व्रत कर, उसने पशुपति व्रत करे और उसका काम हो गया, और तूने पशुपति व्रत करे और नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास पक्का नहीं था, उसने तेरे वचन पर विश्वास करा और उसने काम किया और हो गया। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुझसे कर रहे, मैं आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुचेकर है, मैं आकोट जिला अकोला की रहने वासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 11 साल से नौकरी के लिए स्पर्धा परीक्षा दे रही थी पर मेरा कहीं पर नहीं हुआ। फिर मैंने 11 साल एग्जाम देने का प्रयास किया, एग्जाम देने के बाद मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने परीक्षा देना बंद कर दिया। मैंने परीक्षा देना बंद करी क्योंकि मैं परीक्षा में फेल हो जाती। 2022 में मेरी माँ ने मुझे शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई, कथा के बारे में बताया। मैंने बोला माँ ऐसा महाराज उन तो ढेर सारी बातें बोलता रहता है, क्या होगा? मेरी माँ ने कहा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, एक बार फिर परीक्षा दे और फॉर्म भर। 11 साल परीक्षा देने के बाद में मैंने फॉर्म भरना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, तब आपकी कथा सुनकर मुझे बल आया। आप कहते हो हिम्मत मत हारना, महादेव तुम्हारा साथ देगा। एक बार नहीं चार बार अगर परीक्षा देना है तो 5 बार दो और बाबा के ऊपर भरोसा रखो। मैंने अपनी माँ के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक बार मेरा पशुपति व्रत पूरा हो गया, उसका कोई फल नहीं मिला। मेरी माँ कहती है कोई बात नहीं दूसरी बार फिर कर। 2 महीने बाद मैंने पशुपतिनाथ का फिर व्रत करा पर मेरा उस व्रत से भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी 7 की सहेलियों ने कह दिया व्रत करने से अगर किसी को सिलेक्शन हो जाता तो ना जाने कितनों का हो जाता। तब मैंने व्रत नहीं करा पर मेरी माँ ने कहा एक बार फिर व्रत कर। तब मैंने 3री बार व्रत करा और बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं, आज मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर मेरी एडमिशन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हूँ, मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुझे कर है, मैं आकोट जिला अकोला की निवासी हूँ और मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई हैं क्या पीछे हैं, एक बार हाथ हिलाओ दिख जाएगी, कैमरे में खींच कर लो तो टीवी पर दिख जाएंगी, हमको तो नज़र नहीं आ रही यहाँ से। हाँ ठीक है दिख गए हो, एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई आपको बहुत बहुत। प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ सकती है, पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। दुनिया के लोग कितनी भी टांग खींचे, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहे, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, आपकी जब गरीब परिस्थिति रहती है, आपके जब दुख का समय रहता है,
दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ देने नहीं आता तब तुम्हारे भीतर का विल पावर, तुम्हारे भीतर की हिम्मत तुम्हें अंदर से आकर बोलती है कि चिंता मत करना, तेरा काल अधिपति महाकाल तेरे साथ खड़ा है, बढ़ आगे। देवजी ने महादेव का संवाद करता है, संसार में कोई बुरा नहीं। देवऋषि नारद के मन में संशय आ गया था, इसलिए उस संशय को मिटाने के लिए शिवजी ने अपने नेत्र खोले थे। संशय को मिटाना, कभी कभी हमारे भीतर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम दुनिया के दोष देखते हैं। देवऋषि नारद ने भी देखा है। देवऋषि नारद के भीतर भी एक संशय उत्पन्न हो गया था कि भगवान शंकर सुनते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं और शिव कुछ नहीं करते। ये देवऋषि नारद के भीतर एक छोटा सा भाव उत्पन्न हुआ। पर यहां जितने लोग बैठे हैं ऐसा नहीं है कि सब के भीतर यह भाव होगा कि क्या भगवान शंकर, कई लोगों के मन में आ जाता है क्या शिवजी सुनते हैं। जिसने समझ लिया कि शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पर फाड़कर देता भी है, तो वो फिर शिव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता है, फिर वो शिव को छोड़कर नहीं। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, फिर वो शंकर को छोड़कर नहीं जाता, वो फिर शिव की स्तुति में लगा रहता है अपने पूरे समय को। जो भगवान ने ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो ये योनि दी है, इस मानव की देह को हल्का फुल्का मत लो, इसको समझो कि इस योनि में हमें भगवान की भक्ति कर फिर अगली योनियां प्राप्त नहीं करना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। और यह मत सोचना कि बहुत बड़ा शिवालय मिले, बहुत बड़ा शंकर का मंदिर मिले, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे, ना ना ना, तुम्हारे घर के करीब में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय वहां जाकर जल चढ़ा, वहां चले जाओ। घर में शंकर जी हैं आपके, किस किस के घर में है जरा हाथ उठाओ तो, जरा सबके यहाँ है, रखो रखो, बहुत बढ़िया। हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरु जी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए, क्या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि दो रखना चाहिए, कितने कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते। तब हमने शिवमहापुराण के माध्यम से वर्णन किया था, तुम्हारे घर में एक शिवलिंग है, दो शिवलिंग है, तीन शिवलिंग है, चार शिवलिंग है, पांच शिवलिंग है, सब चलेगा। तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है वो भी चलेगा। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां एक या दो चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में एक है तो मैं एक ही रखूं, दो है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ाओ, तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुम कहीं गई थी, ले आई थी, रखा है, ठीक है, सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका रोज पूजन जरूरी है। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं जाना है और घर में शिवलिंग है तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम 10 दिन के लिए भी चले जाओगे ना तो भी मेरा शंकर कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं होगा, मेरा शिवजी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, उसकी प्रसन्नता कम नहीं होगी, वो प्रसन्नता का भाव उसके अंदर रहेगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं कई बार कि शंकर जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति व्रत ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी देगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठा कर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही देता है, तो दे ही।
एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। वो दादा है, वो पिता है, वो कभी अपशब्द कहता ही नहीं। ये मेरी जीजियों, अगर तुमको कोई ऐसी राय देना, तुमको ऐसा कोई समझाए कि ऐसा मत करना, शंकर जी गुस्सा कर जाएंगे, मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाओ और कई कई लोग ऐसे मिल जाते, अरे तूने ऐसा कर दिया, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, तो उसके हाथ जोड़ के कहना तू चुप रहे, शंकर मेरे और मैं शंकर के, क्या किसको रोई है चादर तान के, हमें क्या करना। कई लोग शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान को क्रोध आ जाएगा, ना माँ और बाप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं, बोलो बोलो जम के बोलो। एक छोटा सा बच्चा है, माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं, माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर तक क्रोध में रह सकते हैं, कितना क्रोध करेंगे, कितना गुस्सा करेंगे, थोड़ी देर का क्रोध, थोड़ी देर का गुस्सा। मेरा देव अधिदेव महादेव तो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है, जैसे आपको पहले कथा में कहा था, एक पिता के दो पुत्र और दोनों पुत्र, एक पिता के दो पुत्र और बड़ा पुत्र कह रहा है पापा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करे दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे दर्शन आपो। एक पिता के दो पुत्र है, बड़ा पुत्र कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे मेरा जायदाद का हिस्सा दो, मुझे जाने दो। पिताजी ने प्रॉपर्टी के तीन हिस्से कर दिए, एक हिस्सा खुद का, दूसरा बड़े बेटे का, तीसरा छोटे बेटे का। जायदाद का हिस्सा लिया, बड़ा बेटा शहर चले गया, और बड़ा बेटा शहर गया, और बड़ा बेटा जैसे शहर में जाता है उसके मित्र बन जाते हैं, जैसा हमने पहले कथा में कहा, ताली थाली और प्याली, सब बर्बाद हो गया, बर्बाद होकर कुछ नहीं बचा। जब बर्बाद होकर कुछ नहीं बचा तो अपने घर को जाने को आतुर हुआ। घर जा रहा, अब उसको लग रहा है मेरा पिताजी नहीं रखेगा, अब उसको लग रहा है मेरा बाप नहीं रखने वाले। रोता बिलखता घर गया, पिताजी खेत पर काम कर रहे थे, और पिताजी खेत पर काम कर रहे और अपने बेटे को जो देखा तो पिता ने बाहें फैला ली, बेटा दौड़ कर आया और अपने बाप के गले लग गया, अपने पिता के गले, पिताजी जो आपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया था वो मेरा सारा बर्बाद हो गया, सब गया, कोई बात नहीं। पिताजी ने कहा धन चले गया, तू तो आ गया ना, चिंता मत कर, ये धन और जोड़ लेंगे, चिंता मत कर, मेरी बाहें फैली हैं, गले लग जा। पिता ने उसको गले लगा लिया, अपने बेटे को बाप ने गले लगाया, और गले लगाकर अपने बेटे से कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि एक गंदा व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक कपट करने वाला मंदिर भी जाता है, एक बेईमानी करने वाला व्यक्ति भी मंदिर, एक छल करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक प्रपंच करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, मेरे शंकर भगवान सबको अपने गले से लगाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, सबका कल्याण करते हैं, वो किसी को अनाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ, वो विश्वनाथ है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है,
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, उसका नाम विश्व नाथ। एक बार भाव से बोले विश्वनाथ भगवान की जय। किसी को नहीं छोड़ता, किसी, बस। फिर निवेदन है, बेडरूम है, वॉशरूम है, ड्राइंग रूम है, उसी तरह एक जम जम के बोलो जरा कंट्रोल। लक्ष्मी जी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ब्रह्माणी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, केवल कंट्रोल करने वाली एक पार्वती जी है जो हर कभी क्रोध नहीं करती। जब असुरों का संहार करना होता है तब क्रोध करती है, इसलिए शंकर पार्वती के सामने है और पार्वती शंकर के सामने। शिव जी में, मेरे भोलेनाथ जी में एक सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण कौन सा गुण है शंकर भगवान में? सबसे बड़ा गुण शंकर भगवान का, सबसे बड़ा गुण, चलो बोलो जरा परतवाड़ा वाले बताओ, शंकर भगवान का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण शिव जी का, एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है उनका? गुण है, शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता है जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बेटे की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने नंदी की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने पोते शुभ लाभ की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनने पड़पोते अमोद और प्रमोद की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी लड़की अशोक सुंदरी की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पांच बेटी जया, बोलो विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, ये पांच बेटियों की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र की भी, बोलते जाओ जम के, पूजन करवा दी, शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने तन पर चढ़ी हुई भस्म की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखी हुई गंगा की भी पूजन करवा दी, शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखे हुए चंद्र की भी पूजन करवा दी, और शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो शंकर का नाम हमेशा लेता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाते रहता है, दुनिया में देव अधिदेव महादेव उसकी भी पूजन करवा देते हैं। आप अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि शंकर भगवान तुम्हें नीचा नहीं देख सकते, वो तुम्हें ऊंचा। एक बैसाख का महीना है, चिलचिलाती हुई गर्मी है, सूरज की रोशनी इतनी तेज पड़ रही है कि कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है, ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए, मेरा बाबा खाली नहीं भेजेगा, इतना भरकर भेजेगा कि तीन महीने में तुम भी पत्र लिख कर भेजोगे कि बाबा ने हमको छप्पर फाड़ कर लौटा दिया। शिव है वो, खाली नहीं छोड़ता, दिए बिगर नहीं रहता, बस उसका अनुमोदन जब हम करें, उसका स्मरण जब हम करें, उसको जब हम दिल में बिठा लें तो वो भी हमको इतना हृदय से लगा लेता है कि खाली नहीं छोड़ता। देवऋषि नारद के भीतर के संशय को मिटाने के लिए वो नेत्र खोल लेता है, नहीं? अपने भक्त के कल्याण करने के लिए वो क्षण भर की देरी नहीं करता, क्षण भर की देरी नहीं करता, क्षण। थोड़ा अगर कोई काम बहुत अटका हुआ है, थोड़ा समय लग सकता है। हमने पहले एक बात कही थी कि फाइल अगर ज्यादा मोटी है ना तो ऑफिसर को भी इसको छुपाने में थोड़ा समय लगता है, फाइल अगर मोटी है,
फाइल अगर मोटी है तो ऑफिसर को भी इसको छोड़ पाने में समय लगता है, थोड़ा समय लग सकता है। दुख थोड़ा ज्यादा है, काटने में थोड़ा समय लग सकता है, पर अपने विश्वास को डिगने नहीं देना। पुष्पांजलि, बधाई आपको, आपकी बेटी का जन्म। महाराज तुम क्या बोलते हैं, पशुपति व्रत केला टाकला, बधाई बधाई हो। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप उससे संबंध जोड़ कर रखो, उसको हर पल अनुभव कराता। देवऋषि नारद ने एक बार संबंध जोड़ा, उसने अनुभव करा दिया। ब्रह्मा जी के मन में संशय था, भगवान नारायण के पिता कौन है, पूछ लिया कौन पिता, भगवान नारायण ने कह दिया देवाधिदेव महादेव मेरे पिता, संशय है। एक संबंध अगर पक्का है ना तो वो अनुभव कराता है, संबंध पक्का है तो अनुभव कराएगा। एक माता जी ने लिखा है अपने पत्र में कि महाराज जी तुम्हारे सिर में चोट लगी थी, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। नाम का ढूंढूं उसका, सो रागणी नरेश यादव, मुकाम नागपुर, छोटा ताज बाग की रहने वाली हूं। कहीं बैठी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाने जरा, बैठी है, कहां बैठी है? धन्यवाद, प्रणाम आपको। उन्होंने सबसे पहली लाइन लिखी है, जरा कैमरे वाले जरा बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ पंडित जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, सिर में चोट लगी थी, बाबा महाकाल के मंदिर में गुलाल फेंकी थी तब आग लग गई थी और उसके तुरंत बाद आपके सिर में चोट लग गई, हमें तो लगा कि क्या पता क्या हो रहा है, हम तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बाबा की ही मर्जी है, अब बताओ तुम कैसे हो। जब मेरी जीजियां इतनी अच्छी हैं तो भाई भी अच्छा ही होगा। और जितनी मेरी जीजी मुझसे प्रेम करती है उतने मेरे जीजा करते हैं, उतना ही प्रेम करते। कल भी एक पत्र था, तुम चांगला है, कल भी एक पत्र था, तो बैठो बहन बैठो, प्रणाम प्रणाम। आज के समय में आप इतना स्नेह करते हैं, कौन किसको पूछता है, आपका स्नेह आपने दिया और मेरी जीजियों ने इतना पूछ लिया, समझ लो अपने भाई की उम्र तो वैसे ही बढ़ गई, वैसे ही बढ़ गई। ये स्नेह आप, ये प्रेम। शिव महापुराण की कथा करेंगे, ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भगवान विष्णु के पिता कौन, भगवान विष्णु जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कौन है, शंकर भगवान का नाम ले दिया, शिव जी तुम्हारे पिता, हाँ। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया,
खंभ प्रकट हुआ तो उसने शिवलिंग की आकृति ले ली, शिवलिंग की आकृति ली तो उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा मैं नारायण का पिता, मैं नारायण का पिता। आकृति। अब ब्रह्मा जी को संशय है। कई लोग प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शंकर जी को धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शंकर भगवान को बैसाख के महीने में जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्री खाने से रोग की मुक्ति हो सकती है। आप प्रैक्टिकल करते हैं और करना चाहिए जरूर। एक पत्र है, शारदा रामलाल मंडले, माया प्रेस, पेंशनपुरा, परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शारदा रामलाल मंडले, माया प्रेस, पेंशनपुरा, परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठे आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, मैं परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, मुझे दो बेटियाँ और एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम चिरंजीवी निर्मल रामलाल मंडले है। बेटा आया है क्या, लिया उसको। मेरे बेटे का नाम चिरंजीवी निर्मल रामलाल मंडले है, उसकी आयु 11 साल है। मेरे बेटे को 1.5 साल का था तब, उसकी 11 साल की उम्र तक उसको ऐसी बीमारी ने घेर लिया था कि पूरे सर से लेकर पैर तक उसके पूरे शरीर में फुंसियाँ पड़ती थी, पक जाता था और पूरा शरीर बेकार हो जाता था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। ये पहला फोटो जिसमें उस बच्चे के हाथ पैर पूरी तरह से फुंसी फोड़े और पूरे शरीर की चमड़ी उसकी बेकार हो जाती थी, जिसमें उसके हाथ पैर के निशान आपको फोटो में आप LED पर TV पर देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर इस फोटो को आप लोग देख रहे होंगे। मेरे बच्चे के पूरे शरीर में से फुंसी बढ़ती जाती थी और फूटने के बाद पानी निकलता था और वो पानी निकलकर पूरे शरीर में फैल जाता था, जिससे उसका शरीर का चमड़ी बेकार हो जाती थी। हम लोग 11 साल उसके इस दुख से दुखी थे कि इसका करें क्या। 10-11 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, हर जगह से हमने इलाज करवाया, उम्मीद छोड़ दी कि अब ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया ये रोग ठीक नहीं हो सकता। जब बीमारी का नाम तक नहीं मालूम, सब लोग हताश हो गए, तब हमारी आंख में आंसू आ जाते उसके दर्द देखकर, उसका शरीर देखकर। तब आपने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया। हमारे पड़ोसी ने हमको कहा कि आज सियोरवाला महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा रहा है, आप उस पूजन को करना। हमने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, टीवी के सामने बैठकर आपके साथ में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन करने के बाद वहां से बेलपत्री उठाकर बच्चे को खिलाई और उसके बाद में हम सीहोर पहुंच गए, जहां का रुद्राक्ष भी हमने लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, एक बेलपत्र उठाकर लाते, बेटे के हाथ से शंकर जी को जल चढ़वाते, पशुपतिनाथ का व्रत करते, जो बीमारी 11 साल से नहीं गई, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 6 महीने में स्वस्थ हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। पूरा शरीर, अब बच्चे के शरीर में से अब कोई फुंसी नहीं हो रही, 6 महीने से अब बेटा ठीक है, अब उसका शरीर की चमड़ी भी अच्छी आना प्रारंभ हो गई। जोरदार ताली बजाकर देखो, उसके शरीर का जो रोग था, पूरे शरीर से पानी बहता था, पूरे शरीर से उसके फुंसियाँ होती थी, पक जाती थी, वो पूरा शरीर बेकार हो गया। 6 महीने से बाबा कृपा करी है, बाबा ने अब शरीर ठीक है, जो 11 वर्ष से तकलीफ भोग रहा, सारी समस्या का हल बाबा को जब हम दिल से समर्पित करते हैं तो बाबा सुनता है, सुनता है। क्यों ना सुन। शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान ब्रह्मदेव आकाश मार्ग में शिवलिंग का छोर देखने के लिए, भगवान नारायण शिवलिंग का चरण देखने के लिए, कुछ नहीं है।
माता पिता और गुरु, इनके दिल की गहराई को नापना बहुत कठिन। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो माता पिता के तुलना कर लेता है। हमारी मम्मी बड़े को ज़्यादा चाहती है कि छोटे को ज़्यादा चाहती है, हमारे पिताजी बड़े को ज़्यादा चाहते हैं कि छोटे को ज़्यादा चाहते हैं, ये तुलना कर सकते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता और गुरु की दिल की गहराई को नापना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कहना सरल है पर नापना कठिन। जब किसी व्यक्ति की किडनी लीवर कुछ भी डैमेज हो जाता है, बेटे का शरीर किडनी लीवर कोई डैमेज हो गया, उसको किडनी देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलता, केवल अगर देती है तो एक माँ या पिता अपनी किडनी और अपना लीवर दान कर देते हैं अपनी औलाद के लिए कि मैं कष्ट में जीऊंगी चल जाएगा पर मेरा बेटा कष्ट में नहीं जीऊंगा, मेरे बेटे को कष्ट नहीं होना चाहिए। एक महिला यहां बैठी है जिसकी किडनी पूरी खराब डॉक्टर ने बता दी थी, एक बैठी हुई भारती बजरंग परिवाले, मैं अमरावती जिला परतवाड़ा शहर में रहने वाली हूं, कहीं बैठी हैं परतवाड़ा की, मैं भारती बजरंग परिवाले, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, मैं भारती बजरंग परिवाले, मैं अमरावती जिला परतवाड़ा शहर में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहाँ बैठी हैं, हिलाओ ऐसा हाथ दिख जाएगा। अच्छा तीसरी वाली लेडी के हाथ दिख गई हो, माँ हाथ हिला दो, आ जाओ एक बिलपत्र ले जाना, आ जाओ धीरे धीरे। मैं भारती बजरंग परिवाले परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, 15 महीने से मैं बीमार हूँ, मुझे पहली बार में पीलिया हुआ था, फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक दवा ली, दवा लेने के बाद पीलिया तो अच्छा हो गया पर फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, पेट में फिर दर्द होने लगा, शरीर में सूजन आने लगी, हमने गांव डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा कि अमरावती जाकर दिखाओ, अमरावती में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि वर्धा के सावंगी मेघे हॉस्पिटल में तब दिखाया, फिर डॉक्टरों ने जब जांच करी तो जांच में मालूम पड़ा कि मेरी किडनी काम करना बंद कर दी है और आपको लीवर खराब हो चुका है, इस लीवर का बदलना जरूरी है, अब लीवर बदलना जरूरी है ऐसा कहकर डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा और एक बेलपत्र शिवजी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करी। 4 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन था, लीवर बदलने की बात आ गई थी, लाखों का खर्चा, लगभग डॉक्टर ने 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा हमें बताया था, ऑपरेशन कैसे कराती गुरुदेव। 4 महीने के बाद मैं वापिस डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए गई और बाबा का रुद्राक्ष का जल पीकर बेलपत्र खाकर जब मैं वापिस जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव मैं बाबा को यहां नमन करने आई हूं, एक बेलपत्र मुझे व्यासपीठ की मिले, शिव तत्व की प्राप्ति हो, माता पिता के बराबर का कोई दिल की गहराई नहीं देख सकता। मेरे शंकर भगवान के हृदय की गहराई को जानना बहुत कठिन है, मेरे शिव जी के हृदय की गहराई को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी नहीं माने, गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तब शंकर भगवान को क्रोध आया, पैर के अंगूठे का नख तोड़ कर दिया, तब काल भैरव प्रकट होकर उस नख से भगवान ब्रह्मा जी का सिर काट देते हैं और ब्रह्मा जी का जब सिर कटा तो ब्रह्मदेव का सिर कटने पर कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, तब भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष की गणना दी। ये जो बड़का पेड़ होता है बट वृक्ष होता है ये ब्रह्मा जी के शीश से निर्मित हुआ,
स्तुति गाई है भगवान ब्रह्मदेव ने, प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, निवेदन करा ब्रह्मदेव ने, सारे देवता मिलकर भगवान शंकर की गुणगान करते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर सुंदर सृष्टि निराकरण को आगे बढ़ाते हैं। भगवान